अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी सा स्नैक शेयर करने वाली हूं और ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं। तो चलें आए बनाते हैं चिकन चीज़ क्लब सैंडविचेस। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 1/2 kg चिकन और अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक, अब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 teaspoon, पेपरिका पाउडर 1 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1 teaspoon, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 teaspoon। इन सबको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। 30 मिनट्स तक मैंने इसको मैरिनेट किया था। मैं इसको कुक करूँगी। मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon ऑयल। चिकन ऐड करेंगे अब हम इसमें और इसको तब तक के लिए पका लेंगे जब तक ये फुली कुक ना हो जाए। मैं इसको मीडियम फ्लेम में कुक कर रही हूँ। चिकन बहुत जल्दी से कुक हो जाती है और ये देखिए अब इसका पानी रिलीज़ हो गया है। बस हमें अब इसका पानी पूरा ड्राई करना है और हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। तकरीबन 15-20 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, शिमला मिर्च, प्याज और 2 किस्म की मैं यहाँ पे चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मोज़रेला एंड चेडर चीज़। अब मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल्स और वेजिटेबल ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1-2 मिनट तक के लिए मज़ीद कुक करूँगी। मुझे इसमें थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं तो इसलिए बस इसको आपने 1-2 मिनट तक के लिए कुक करना है और फिर ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी हमारी सैंडविचेस की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सैंडविचेस हम किस तरह लेयरिंग करेंगे। चलें जी अब हम सैंडविचेस की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे प्लेन केचप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अपने सैंडविचेस थोड़े से चटपटे और स्पाइसी बनाने हैं तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें रख रहे हैं चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। आप चाहें तो स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो श्रेडेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ की लेयरिंग हमने कर दी है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक और स्लाइस। ओके, और अब इस स्लाइस पे हम लगा देंगे मायोनीज़। मायनीज़ को आप अच्छे से स्प्रेड कर दें। अच्छा, मायनीज़ लगाने से आपका सैंडविच बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मायनीज़ इसमें स्किप ना कीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने कुक की थी। सारी चिकन को हम अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे एक और स्लाइस से और ये हमारा सैंडविच असेंबल हो चुका है। अब हम इसको एक अच्छा सा कलर देंगे, इसको ग्रिल करेंगे। आप नॉर्मल पैन पे भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। मैं पैन को ग्रीस कर लूँगी पहले, सबसे पहले। और अब हम अपने सैंडविचेस ग्रिल कर लेते हैं। और हमारे सैंडविचेस ग्रिल हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक है ये। अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें कॉर्न्स ऐड कर दें, पोटैटोज़ ऐड कर दें, जो भी बच्चों की फेवरेट चीज़ें हैं वो ऐड कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक और नई और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।